गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सैंडी पैनी एजुकेशनल अकेडमी। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 12, फोर्स एनर्जी एंड सिंपल मशीन। ऑलरेडी नो फोर्स इज यूज टू मूव ऑब्जेक्ट। फोर्स हमें ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज होता है। फोर्स इज द पुश और पुल नीडेड टू मूव ऑब्जेक्ट। हमें फोर्स में कोई चीज़ को पुश करना पड़ेगा, मतलब धक्का मारना पड़ेगा, या पुल मतलब खींचना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्स। हमने पहले पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये दो टाइप के फोर्स हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी है जिससे हम कोई एबिलिटी, मतलब हमें क्षमता हमारी पता चलती है, या कैपेसिटी हम लोग कितना काम कर सकते हैं, दैट शोज बाय आवर एनर्जी। इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। ऑब्जेक्ट्स खुद कभी मूव नहीं करते हैं। अ पुश और पुल हैज टू बी अप्लाइड टू मूव ऑब्जेक्ट। हमें कोई ऑब्जेक्ट को पुश करना पड़ता है, मतलब धक्का मारना पड़ता है, या पुल मतलब खींचना पड़ता है अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो। अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? तो पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम कोई चीज पे धक्का मारते हैं या खींचते हैं उसको, और उस पर जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसे कहते हैं फोर्स। नाउ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐसा स्टेबल है। यू कैन टेक एन एग्जांपल, लाइक ये पेन है, इट इज नॉट मूविंग, सॉरी, सी दिस इज अ बॉक्स, इट इज नॉट मूविंग, दिस इज एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एंड लिखा है द ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ओनली मूव्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये मूव नहीं कर रहा। अब मैंने इसको धक्का मारा या पुल किया, तभी ऑब्जेक्ट इधर से इधर आया, दैट इज नोन एज फोर्स। दिस इज वन इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ सम अदर इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने इफेक्ट होते हैं? तो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना है, देन ऑल्सो वी नीड द फोर्स। सेकेंड, टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। टू चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आ रहे, तो या तो हम उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं या तो स्पीड डिक्रीज कर रहे हैं। देन टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ का शेप चेंज करना, लाइक अगर वो स्क्वायर का सर्कल करना, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना, दैट इज नोन एज टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स रीड वन बाय वन। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। कोई भी चीज़ जो मूव हो रही है, हम उसका डायरेक्शन कभी चेंज कर सकते हैं जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। For example, if football is moving to one direction, in order to change the direction, the footballer has to kick the ball in other direction. जैसे अगर एक footballer है, उसकी ball अगर ऐसे straight चल रही है, और अगर आपको ball है जो left में लेके जानी है, तो footballer को इधर से ऐसे सीधा kick मारना पड़ेगा जिससे कि वो direction change हो जाए। The kick given to the ball is the force. वो जितने फोर्स से किक कर रहे हैं ना बॉल को, दैट इज द ओनली थिंग फोर्स अप्लाइड हुआ। और फोर्स अप्लाइड हुआ तो उसने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया बॉल का। नाउ द नेक्स्ट इज टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। द मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप अनलेस एंड फोर्स इज अप्लाइड टू। अगर कोई बॉल बहुत तेज जोर से आ रही है और आपको उसको स्टॉप करनी है, तो आपको अपना फोर्स, लैक का फोर्स बॉल पे अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ एग्जाम्पल में, अ कार मूविंग ऑन द रोड डज नॉट स्टॉप इन ऑन इट्स ओन एट द सिग्नल। अगर जो कार है वो सिग्नल पे स्टॉप नहीं हुई, सो ब्रेक वी हैव टू अप्लाई टू, अगर कार को स्टॉप करना है सिग्नल पे, सो व्हेन ब्रेक इज प्रेस्ड, दो ब्रेक पैर से प्रेस्ड किया गया ब्रेक है, जो इंसान ने या फिर अ मैन और अ वुमेन हैज टू प्रेस द ब्रेक, एंड द ब्रेक इज गोइंग टू प्रेस बाय हिज और हर लेग।
जो लैग जितना जैसे वो प्रेस करेगा ना ब्रेक को, वैसे उसने फोर्स अप्लाई किया तभी वो जो ब्रेक है वो डाउन हुआ और कार स्टॉप हो गई। नाउ टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। लाइक अ साइकिल एक पर्टिकुलर स्पीड पे जा रही है, जैसे 10 के स्पीड पे साइकिल, ऐसे साइकिल की स्पीड नहीं होती है, तो लेट अस एज्यूम कि जो साइकिल की स्पीड है वो 10 उस पे जा रही है, 10 के उस पे। अगर हमें खाली रोड है तो हम लोग उस स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा पैडल मारेंगे, डिक्रीज करने के लिए हम लोग ब्रेक का थोड़ा अप्लाई करेंगे, दैट ओनली। उससे स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट इज टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स से हम लोग ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वो स्प्रिंग आती है पैन की, उसमें आई डू नॉट हैव अ पैन विद अ स्प्रिंग, वो जो क्लिक क्लिक वाली पैन आती है ना उसमें स्प्रिंग होता है, अगर तुम उस स्प्रिंग को खींचोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, और अगर दबाओगे तो भी शेप चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव अप्लाइड द फोर्स, फोर्स अप्लाई किया ना, खींचने में फोर्स अप्लाइड किया और उसको मिनिमाइज करने में फोर्स अप्लाइड किया, सो द चेंज ऑफ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोर्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हम लोग के आजू बाजू बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्स है और हम लोग उनको बहुत सारे वेज में यूज करते हैं, लाइक डिफरेंट वेज वी यूज टू अप्लाई द फोर्स। लाइक वी विल लर्न सम मोर टाइप्स ऑफ फोर्स इन एडिशन टू द फोर्स लर्न अर्लियर, हमने जो पहले जो फोर्स के टाइप पढ़े थे उसके एडिशन में, मतलब और हम लोग फोर्स अप्लाई और हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। सो देयर टाइप्स ऑफ फोर्स आर मस्क्यूलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिकल फोर्स विच आर न्यू फॉर यू, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, कैन यू सी दैट, फ्रिक्शनल फोर्स एंड द सिक्स्थ वन, और यू कैन सी द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, द मस्क्यूलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स इज कॉल्ड एज मस्क्यूलर फोर्स। फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो या तो ह्यूमन बींग के मसल्स की वजह से, पावर की वजह से हुआ है, या तो एनिमल की पावर की वजह से हुआ है। जब फोर्स ह्यूमन या एनिमल की पावर की वजह से होता है, हमारे मसल्स की वजह से होता है, देन इट इज नोन एज मस्क्यूलर फोर्स। लेट्स सी, जंप टू द एग्जाम्पल, when a batsman hits the ball during a game of cricket he applies muscular force on the ball, like ek suppose dhoni, okay you all know dhoni, dhoni jab ek six maarne jayega na to bat ko itna zor se karega to bat ko karne mein uski energy lagi, human being ki energy lagi, so that is known as muscular force, jisme human being ki energy lag rahi hai that is known as muscular force, ya to एनिमल की एनर्जी लग रही। लाइक अ हॉर्स पुल्स अ कैरेज, हम लोग जब हॉर्स राइड पे बैठते हैं ना तो पीछे हॉर्स का कैरेज होता है, उसमें हॉर्स अपना फोर्स लगा के वो कैरेज को मूव करता है, उसमें एनिमल का फोर्स लगा, एनिमल की एनर्जी लगी, सो दैट इज नोन एज मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स इज एन एक्शन डन बाय मसल्स ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, ऐसा फोर्स जिसमें ह्यूमंस और एनिमल्स का पावर लग रहा है। Then second is mechanical force. Machines help us in daily lives. We use machines like tractor, motor vehicles and many others in our day-to-day life. Mechanical force ऐसा जो हम लोग डेली डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, मोटर व्हीकल्स है, ये सब जिसमें मशीन का जो चीज मशीन से बनी हो और उसमें मशीन यूज कर रही है, मशीन अपना फोर्स लगा रही है। The force exerted by the machine is called mechanical force. Like a tractor is used to pull a huge load. The load will move only due to the mechanical force exerted by a tractor. जैसे अपन देखते हैं ना, ये इतना सब सामान के लिए ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर कब मूव करेगा? जब हम लोग ट्रैक्टर में बटन्स वगैरह वो जो मशीन की चीजें करेंगे, then only it will move. So now we have learned the two types of forces, muscular force, mechanical force, then we have learned the effect of forces, and then introduction has been also completed. Now in the next video we will
learn the more types of force.